तो एक कहावत है ना कि ऊपर वाला जब देता है, देता छप्पर फाड़ के। ऐसा ही मेरा एक कहावत है, ये भी एक कहावत है कि जब कोई आपका खराब टाइम चलता है ना, वो आपके साथ साथ बहुत ही तारीख और भी बहुत कुछ खराबी आपके साथ लेके आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ बेंगलोर में जीटी वर्ल्ड मॉल के साथ। तो ये जो जीटी वर्ल्ड मॉल है, ये है बेंगलुरु में और ये है मागड़ी मेन रोड में। तो मागड़ी रोड मेन रोड में एक मॉल है जिसका नाम है जीटी वर्ल्ड मॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज ही के दिन यानी 19 जुलाई 2024 में एक बाप बेटा आता है, तो फार्मर का बेटा है, तो बाप आता है, बेटा आता है बाप को लेके, और बाप एज यूजुअल जो है वो धोती धोती कपड़ा में आ जाते हैं और मॉल के अंदर, ठीक है, मॉल के अंदर आ जाते हैं। और उनके पास जो है मूवी टिकट्स था, तो पीवीआर का शायद मूवी टिकट्स था, उन लोग आए थे मूवी देखने के लिए। बेटा लेके आया था बाप को जो है मूवी दिखाने के लिए, बहुत खुश थे दोनों। और एंट्री होते ही एंट्री के जगह में जो है जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स है, सिक्योरिटी लोग है, उन्होंने उनको अटका दिया और ये बोल के अटका दिया कि आपका जो पिताजी है, जो डैडी है, ये जो फार्मर है, ये धोती में मॉल के अंदर अलाउड नहीं है। आप चाहे तो पैंट शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो और आप जो है ऑटोमेटिक आप जो है मॉल के अंदर एंट्री कर सकते हो, जा सकती हो, जो भी कुछ चीज़ है मॉल के अंदर मज़े ले सकती हो। बट यही सेम चीज़ जो है, वो जो बेटा था, जो फार्मर का बेटा थे, उन्होंने क्या किया, पूरा के पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उनका जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जो बात है और उनका बाप जी के साथ जो बातचीत चल रहा था डैडी के साथ, तो पूरा के पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। ऐसे में क्या हुआ, वो जो है वायरल हो गया। आज ही मैंने अभी एक फेसबुक का पोस्ट डाला है, तो मैं जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल में देखा, देखने के बाद मैंने जो है वो पोस्ट डाला है। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आदमी का जब खराब टाइम आता है ना, वो खराब टाइम और भी आपको खराबी लेके आता है। तो जीटी वर्ल्ड मॉल में मैं इससे पहले एक दो बार गया था, जब मैं जोमेटो स्विगी रैपिडो में काम करता था, फूड लेने गया था, तो जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स है, सिक्योरिटी का जो बिहेवियर है ना, बहुत ही खतरनाक है, एकदम बेकार सा उन लोग का बिहेवियर है। ऊपर से एक प्रॉब्लम मेरे को हो गया है कि जीटी वर्ल्ड मॉल के अंदर हमारा ओला का बाइक सर्विस, ओला का जो है चार्जिंग स्टेशन था। तो अगर जीटी वर्ल्ड मॉल बंद हो जाता है थोड़े दिन तक, मतलब गवर्नमेंट तो अभी तक इस तरीके दिया है कि अगले 7 दिन तक जो है ये जीटी वर्ल्ड मॉल जो है ये बंद रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो इन घिनौनी हरकत किया है एक बंदे को, जो फार्मर है, अगर फार्मर जो है दाल चावल नहीं उगाते तो हम किस तरीके से खा पाते। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जीटी वर्ल्ड मॉल को आने वाला 7 दिन तक जो है बंद करवा दिया है। तो इसमें जो नुकसान तो होने वाला, तो होने वाला ही है, मेरा नुकसान हो गया है कि मेरा जैसे बहुत सारे ओला में काम करते हैं या फिर ओला जो उसके पास स्कूटी है, उन लोगों का प्रॉब्लम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर चार्जिंग स्टेशन था और वो सभी के जो है ओला राइडर्स के लिए। अच्छा, उसके साथ साथ ही बोला जा रहा है, बीबीएमपी की तरफ बोला जा रहा है, बीबीएमपी की तरफ से बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, इनके तरफ से बोला गया है, इन लोगों ने जाके जो है जीटी वर्ल्ड मॉल का जो मेन गेट है वहाँ पे ताला लगवा दिया और जो है सील करा दिया। वो उन लोगों की तरफ से यही बोला जा रहा है कि इन्होंने जो जीटी वर्ल्ड मॉल है, जीटी वर्ल्ड मॉल जो है लास्ट का 2023-24 या फिर 2022-23 जो आर्थिक वर्ष है, यानी फाइनेंशियल ईयर है, मे बी 2023 एंड 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में 1.78 करोड़, यानी लगभग लगभग 1.8 करोड़ का जो है टैक्स, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, वो जो है जीटी वर्ल्ड मॉल वालों ने जो है बीबीएमपी को पे नहीं किया है। तो वही हुआ ना, जब आप किसी को, मतलब जब आपके खराब दिन आता है ना, वो किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है, आप समझ नहीं पाते हो। तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट किया एक फार्मर को, फार्मर का बेटा को जो है डिस्क्रिमिनेट किया। उन लोगों को जो है मॉल के अंदर एंट्री देने में रोक दिया, मूवी देखने में के लिए रोक दिया, और इस चीज़ को जो है पैंतरा हो गया, जो है बातों का पतंगर हो गया, वायरल भी हो गया। ऊपर से कर्नाटक का गवर्नमेंट ने उसको जो है 7 दिन के लिए बंद भी करवा दिया। ऊपर से अभी जो है बीबीएमपी वालों ने जो है मॉल के अंदर गया और वहाँ पर जाने के बाद जो मॉल है वो आने वाला कितने दिन तक बंद किया वो मालूम नहीं है, बट सील करवा दिया। जो है वो होता है ना एकदम स्टैम्प मार के, लाल ताला दे के जो है, लाल कलर दे के जो ताला मार के जो बंद करवा देते हैं, उस तरीके से जो है सीज करवा दिया, बंद कर दिया, सील कर दिया। तो जब खराब दिन आता है ना, इसी तरीके से खराब दिन आता है। और जीटी वर्ल्ड मॉल को मैं बता रहा हूँ, उन लोगों का जो सिक्योरिटी गार्ड का जो बिहेवियर है, इतना घिनौनी बिहेवियर है, खास तरीके से डिलीवरी बॉयज के ऊपर बहुत ही खतरनाक जो है घिनौनी बिहेवियर है। तो इस बातों पर मुझे एक चीज़ याद आ गया कि एक वो बंदा था
जो कि धोती में थे और ब्रिटिश को इंडिया से भगाने में मदद किया, और इंडिया ब्रिटिश को जो है रात का नींद हराम करवा दिया। कौन है उन्होंने? मोहनदास करमचंद गांधी। और आज एक बंदा थे धोती में जो कि एक पूरा जीटी वर्ल्ड मॉल को, बेंगलुरु के अंदर एक मॉल को बंद करवा दिया उसका, उनका जो कंट्रोवर्सी शुरू होते ही। तो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ देखो ड्रेस कोड होता ही है, ड्रेस कोड सब कुछ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बंदा जो है हर दिन आ जा रहा है और कोई मीटिंग के अंदर आ गया और हर दिन जो है इसी ड्रेस कोड में आने लगा है, ये तो खतरनाक चीज़ होता है। बट ड्रेस कोड होता ही है, बट ड्रेस कोड के साथ साथ जो हम इंडियन जो है, हम भारतीय जो है, हमारा जो क्या बोलते हैं वो जो संस्कार है वो किस तरीके से भूल गए। हमारा बाप दादा आज भी जो है धोती पहनते हैं। यहाँ पे कनाडा के बहुत सारे जो एल्डर पर्सन है, जो दादा दादाजी जैसा है, जो बाप जी जैसा बड़े आदमी है, उन लोग हाफ पैंट पहन के घूमते हैं जो गाँव वाले। तो अपने आपके जो शर्ट में टी शर्ट में आपका मतलब आउटफिट का जो अटायर में आपको क्या रहेगा, उसके पास पैसा है वो मूवी देखने के लिए आया है, उनके बेटे के पास पैसा है उसको जो है आपका बेटे को बाप को लोग जो है मॉल के अंदर घूमने आया है, आप मॉल बनाए क्यों? अगर बोल जाना चाहिए था कि यहाँ पे हमारा इस तरीके से ड्रेस कोड है, अगर ड्रेस कोड में पहन के आते हो तो बढ़िया है, नहीं तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो इस तरीके से देखोगे तो बहुत सारे लोग जा नहीं पाएंगे यार, जो मुस्लिम लोग जो क्या बोलते हैं जो धोती पंजाबी में चले जाते हैं, जो पंजाबी सलवार कमीज पहन के चले जाते हैं, जो लेडीज़ है जो बुरखा पहन के मुस्लिम लेडीज चले जाते हैं, जो हमारा पंजाबी भाई लोग है जो कि सरदार जी जो है ये बन के चले जाते हैं, टर्बन पहन के चले जाते हैं, मुस्लिम लोग जो सर में टोपी डाल के चले जाते हैं, या फिर कोई भी हिंदू हमारा हिंदू समाज का जो जो साधु संत वगैरह है वगैरह जैसे है, उस तरीके से अगर अटायर में चले गए और आप उन लोगों को बोल दो कि हमारा एंट्री नहीं है तो मनाए क्यों भाई? अब तो यहाँ पे लंदन में होना चाहिए था आपको मॉल को, आपका मॉल को अमेरिका में होना चाहिए था कि सभी जो है पैंट शर्ट में आए और जो है शूट बूट कोट पहन के आए। खैर ये जो है बहुत ही घिनौना हरकत है, मुझे तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मुझे बहुत खराब लग रहा है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वही जो आदमी का खराब दिन आता है ना उस तरीके से उसके साथ साथ खराबी और भी बढ़ जाता है। तो इनको इस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट किया उस बंदे को, फार्मर को, और बीबीएमपी वालों ने आकर सीधा ताला लगा के गया, उसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया करके, वो भी 1.78 करोड़ जो है 2023 और 2024 के बीच में फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत जो है स्टम्बल कर रहा हूँ, जो भी मतलब भला कर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे अपडेट देना था आप लोगों के लिए। इस तरीके से जो है ना जो भी हमारे साथ कोई गलती करता है उसके साथ गलती ऑटोमेटिकली हो जाता है, चाहे वो मतलब उसी दिन हो जाए और चाहे वो थोड़ा दिन के बाद हो जाए। आपको कैसा लगा और ये अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। फेसबुक में देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे जो है फॉलो कर लो, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो मुझे जो है सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।